राम राम पर जाके राम राम जी राम राम। आओ चौधरी साहब, आज शरणवीर आज तो बहुत दिन में आए भाई, बैठो। और सुनाओ जी आप। बस हम तो ठीक ठाक हैं, आप सुनाइए आज कैसे आना भैया? बस आना क्या था, कुछ काम था। चलो खैर काम भी करेंगे सारा। बहू ये लाली पानी ले बेटा। और सुनाओ, तो घर परिवार में तो सब कुशल मंगल है? हाँ जी सब बढ़िया जी। चलो दो तो पानी पियो। बेटा तेरे अंकल आए हैं, दो कप चाय ला बना कर बढ़िया सी। ठीक है पिताजी। अच्छा मैं तो एक काम से आया था जी। हाँ हाँ बता, भेजी देख बता। बताना कि आपको तो पता है ना हमारी लड़की की शादी पक्की होगी, तो एक काम ये था, मर जो एक बीघा जमीन थी ना वो असल में उसके रेट तो कुछ लग नहीं रहे, अब उधर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, तो 3-4 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाए तो देख लो, बाकी जब वो बिकेगी आपके वापस कर देंगे। अरे भाई शरणवीर बिल्कुल चिंता ना करे, शादी ब्याह में तो लेना देना पड़ेगी है, जब तुझे जरूरत हो बता दिए तेरा काम हो जाएगा। प्रधान जी मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भाई शरणवीर बिटिया का रिश्ता तो कर दिया पर घर परिवार खानदान तो देख लिया कैसा है। प्रधान जी घर परिवार बिल्कुल सही है, वो लड़के में जरा से भी ऐब नहीं बीड़ी सिगरेट का कोई। चलो अच्छी बात है, हम तो यू चाह लड़की सुख में रहे। और एक बात और है, लो चाय लो पहले। आजकल लोग दिखावे कुछ है और पावे कुछ है, बाद में दुख लिख रहे उन बातों में, इसलिए तो पहले देख लियो सब चीज। वो तो सही कह रहे हो आप। अच्छा यूं तो बता भाई शरणवीर, शादी कब की तय हुई है? 3 तारीख की है जी। इसी 3 तारीख की? हाँ जी। हाँ यार 3 तारीख के क्या दिन है, 7-8 दिन सारे रह रहे, तो तुझे तो जल्दी देने पड़ेंगे पैसा करके। हाँ जी ये तो देख लो करना पड़ेगा जी। तो भाई आज तो टाइम रहा नहीं यार, कल का होगा इतवार। अब तू एक काम करिए, परसों को सोमवार में 12 बजे के बाद किसी टाइम आ जाइए, तेरा काम हो जाए। ठीक है प्रधान जी। और हाँ प्रधान जी, जब तक लड़की विदाना हो जाएगी ना तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। अरे चिंता ना करो भाई इस बात की, सारा काम अपनी देख रेख में करवाऊंगे। अरे थारी बिटिया मारी भी तो बिटिया है। ठीक है प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी अब मैं चलता हूँ ना। ठीक है बेफिक्र होकर जा दो, मुझे कुछ कपड़ा वपड़ा भी लाना है। हाँ हाँ बाजार का काम देख और कार्ड पार्ड न्योते बाड़ी इन कामों को निपटा, और परसों तो फिर हम भी घर गए लिए। ठीक है जी ठीक है। अच्छा जी अच्छा राम। लाली ए बहू ले जा बेटा बर्तन ले जाए, ये भी बेचारी बहुत हिल्ला करे, महार तो बहुत कम मेरी बहू आई है, ऐसी भगवान सब देवे। लोगों को पैसा दे तो दें पर आना बड़ा कठिन हो जा वापस, फोन मिलाऊं बा कई लोगों को पैसे जा रहे हैं, अब शरणवीर के बिटिया की शादी है उसे भी देने हैं, इस बहाने से ना जाना आएगा। हेलो हाँ बा प्रताप सुना ठीक? चलो बढ़िया। अरे भाई पैसों का इंतजाम कर, मुझे शरणवीर के देने ब्याह में लोन जगह बिहार आ। हाँ पेमेंट आ रहा, कई पर्चियों को जाकर देख बैंक में चेक करवा ले, पेमेंट पेमेंट बताओ जा। हाँ जल्दी दे सोमवार को कटवा के मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है। गर्मी बिजली भी ना रही दिखा है, आप तो हद होगी बा गर्मी की। रे कोई है ना घर में, क्या बहरे को आइयो मगा, क्या बहरे को आ जाओ कुछ पानी पात पियाओ। एक बात बताओ तुम क्यों गेटवा पाड़ रहे हो, लगता है पूरी गर्मी तुम्हें असर कर रही है तुम पे।
हाल तो घेटवा पाड़ रहे हो। अरे कहे मैं घेट पाड़ गया, तू ना देख रही है दोपहर में जाता घूमता आया हूँ मैं बाजार में। अच्छा हम घर में बेले बैठे रहे, मैं कुछ काम थोड़ी करे। बस तू तो बोल रही मत ना, मेरा वैसी गर्मी में दिमाग खराब हो रहा। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, पूरी दोपहर का गुस्सा क्या मुझ पे ही निकालोगे के? और तेरा लाडला कहाँ फिर रहे हो? अतुल 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 कहाँ होगा, भीतर होगा, अभी तो ड्यूटी से आया, तुम भी उसके गले पड़े रहो। अरे उसे बाहर को बुला। हाँ हाँ अभी बुला रही हूँ, हाँ हाँ बुला रही हूँ। अतुल अतुल बेटा यहाँ को आ, और बहुरानी तू एक काम करना, ठंडा ठंडा एक गिलास फ्रिज का पानी लिया, ताकि इसका दिमाग ठंडा हो जाए बुढ़े का। हाँ माँ क्या हो गया बता। आ गया कर लो बात, पता नहीं तेरे बापू को वह जरूरी बात है। हाँ बोला अल्लाह तू हमें न्यू बता, अब इस घर का चौधरी तू बन गया के? अरे पिताजी ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया रे, हमारे ससुराल ने वो क्या ना करा? माँ मुझे तो लगा पिताजी के दिमाग को गर्मी चढ़ गई दिक्कत। क्यों पिताजी ऐसा मैंने क्या कर दिया? अभी तो मैं ड्यूटी से आया, बेफालतू सुनान लग रहा है मुझे। सही कह रहा है बेटा तू, बताओ इसने ऐसा क्या कर दिया जब तुम इसके ऊपर चढ़ रहे? अरे छोरा अभी तो काम से आया, आते ही तुम इसके पीछे पड़ गए। पीछे ना पड़ू रे, इसके पीछे ना पड़ू तो और क्या करूं? इसे क्या जरूरत इतना बड़ा लंबरदार और पंच चौधरी बनने की? घंटा तन्ने क्यों गई, अखरियों को उधार दे दियो, 15 दिन में 5,000 का उधार खा गया हूँ। क्या 5,000? हाँ 5,000, और 3,000 रुपए के तो बीड़ी माचिस सिगरेट और दिखे पता नहीं ठंडे की बोतल पी हुए लिमकार थम्सअप, उन्हें यू ही देगा या तू देगी? उन्हें देने का हरिओम पिवक्कड़ नशेड़ी पता ना कहाँ फिरे ससुरा। अरे मैं क्यों भरूंगी, तुम क्यों भरोगे? भरेगा ये और ये भी क्यों भरेगा, भरेगा वो ठरकी हरिओम। हरिओम की ज्यादा मेरे मार आना यो थोड़े पानियों में ना हरिओम, रामपाल के गया था मैं पानी के पैसान को, ट्वेल की भराई के 1400 रुपए हो रहे उस पे, न्यू करा तेरा लौंडा लेगा हरिओम। बता कहां तक पूर्ति करूं उसकी? अरे तुम क्यों करोगे, इस लौंडे ने तो महाराज जन्म दुखी कर दिया, ये हरिओम पैदा नहीं होता तो ही अच्छा था। और एक ये देखो मेरा लड़का, इसको जितनी भी तनख्वाह मिला है ना सारी मेरे हाथ में रखा है लाके, एक और एक वो तुम्हारा लाडला वो तुम पे गया है, यो ये बेचारा अपनी माँ पे गया है। रहन दे तेरा ही तो बिगाड़ा हुआ हो, बिगाड़ा हुआ है, लाड़ पे चढ़ा चढ़ा के यू भी दे दे और वो भी दे दे, न्यू करवा दे, बिगाड़ तो दिया हो अब भर ले दंड। देखो जी कान खोल के सुन लो, मैंने ना बिगाड़ा, उसे खुली आजादी किसने दे रखी है? तुमने। हम बे मन्ने तो तुझे भी दे रखी आजादी, आ जान दे आज उसे, आज उसका बक्कल उतार दूं मैं। देखती हो कैसे बक्कल उतारते हो। अरे माँ अगर तुम्हारी वो महामारी से खत्म सी हो गई तो मैं जाकर सो जाऊं, मुझे कल ड्यूटी भी जाना। ठीक है बेटा जा सो जा, ये तो ऐसे ही करते रहेगा, इसकी तो आदत है, लड़का तो बस में है नहीं, इस पे हुक्म चलाओगे तू घनी बस में मार दो, जा हिल्ला कर ले जाकर सो जा भीतर। अरे माँ देखे हम अपने बापू के गैल खेत में हिल्ला भी करवावे थे, हल भी चरवावे थे और स्कूल को भी जावे थे और घरों न्यार करके न्यार गिर के जब जावे थे, तुमने जहां तक रोके वहां तक तो रुके और जहां को तुमने कही हम वहां गए, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा जैसा तुमने कहा उन्हीं बातों पे चले हम, पर इन्हें सुसरे को कितनी समझा लो मानते ही ना, धमका मैंने तो क्या करे और हद कर दी बिल्कुल, अब तेरी ओर तभी जीते रहे मुझे तो माँ, मैं हर वक्त तो घर से बाहर रहूं, दवा गोली पता नहीं तुझे भी टाइम पे देख ना देते, टाइम पे दवा ले लेकर माँ तू भी संतोष को कह दे कर और ना करे ना तेरी मुझे बता दिए, मैं देख लूंगा इसे ठीक है। हेलो हाँ भाई हाँ ठीक है आ लिया मैं। अरे माँ बहुत गर्मी हो रही है, देखिए 500 रुपये पड़े जिम में, क्या करेगा? ए जरूरत सी दे दे बूझ है, कुछ भी ना हमारी माँ भी नहीं है, सब कुछ तेरा ले लेकर इनसे खर्चा पाने को कोई दे भी कह कर तू नु कह दे कर
बेच दूंगी सब है। समोसे पमोसे इस चीज खाती रहकर हमें मिलते रहेंगे तेरे सारे 10-20 रुपया। अंधमा का दिक्कत है, जब तक तू बैठी है दिक्कत ना। हाँ कुछ बनाओ खाने को। अरे क्या बनाओगा खाने? ये रोटी पोटी ऐसी ही मिले हमें तो इस घर में। चल ठीक है ना, कर रोटी वोटी सी खा लूंगा, भूख लग रही है। खा ले जा। आराम कर लेकर सो जाकर। कौन सा गया इसमें? हरिओम, ओ हरिओम, क्या रही है? कहा होगा इसमें शौचालय में तू गया? अब इसमें भी ना जाऊं? अच्छा तू ही गया? हाँ इसमें सारी में सड़ांध हो रही है, बदबू फैल रही है, बीड़ी सिगरेट के धुएं फैल रहे हैं इसमें। तो मैंने कौन सी बीड़ी पी ली था? हमारे ससुर झूठ बोल रहा, दिखा खेले रहा। कहा है कुछ भी ना है, देखिए सारी में धुआं घुट रहा, दिखा जेब दिखा। तुम नशे नशे इनको तेरी का तू अच्छा भगे यार। कहाँ भाग रहा हूँ मैं, तोड़ लो दही जितनी तोड़नी है। दही पेड़ी बता रहा अभी तो ना संतोष भारे को ये। अरे पिताजी मेरी ना ये कल रतन ने दे दी, वो ट्वेल्व पे नहा रहे हो, मुझे पकड़ा दी, अब जेब में रखी रहेगी होंगी मेरी में। रे हमारे ससुरे नहाने तो हमारे भी आग गया रोज, हमें तो ना दिन ना आज लो भी। रे हमारे ससुरे नलाक, अब लो तो गांव के ही बतावे थे, अब बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटके और शराब भी पी लगे, अब तो रोज लहने आवे खेत में ट्वेल्व पे पौवे पड़े पावे रोज की मुझे। वे भी रतन को घेर देते होगा? अच्छा उन्हें भी रतन का घेरा है। ए लाली जब ये बीड़ी सिगरेट पी है तन्ने हमें बताइए आज लो। पिताजी मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता तेरा क्या पिता? जब ये मेरी ना है तो मैं पींगो क्यों आगे पीछे, और इसमें धुआं कहां से घुस गया हमें नहीं बता दे। इसकी मुझे कहां पता? तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो जी? लाली मत ना पेट पतला हुआ तू भी। पिताजी मैं तो सच कह रही हूँ, मेरे सामने तो ना आज तक ना पी, जब मेरे सामने आज तक ना पी तो मुझे कैसे पता चलेगी? रे नलायक भगे जा रहा पर आजा, तेरी बाट देख रहा था मैं, आजा तू ही चलवा वह दुकान पर उधार, इसके ठेके पे भी चलवा दे उधार, मुझे पता लग गया कई हजार रुपए हो रहे हैं ठेके वाले के भी, अब तो तुम दादा हो रहे हो, गांव में दादागिरी चलेंगी थारी, क्यों तुमने हद कर रखी है? चलो मैंने इसे उधारी दिलवा दी तो इसका मतलब मैंने इसे ये थोड़ा ना कह दिया तू बीड़ी पी सिगरेट पी तम्बाकू खा। अरे पिताजी देखो ये तुम्हारे साथ खेती में हाथ बटावे तो चलो एक आधर बार जूस पी लेगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा है, अब मुझे ये थोड़ी ना पता भी बिगड़ जाएगा। उधार दिलवाने से मतलब नहीं है, कम से कम उस दुकान वाले से पूछ तो लेते जाके कि ये क्या क्या खरीद रहे हैं वहाँ से। अब मैं ड्यूटी जाऊँ या इसकी उधारी देखूँ? अब पिताजी को पता तो चल गया इसके कारनामे, पिताजी अपना आप देख लेंगे। कारनामे तो हमें सबके पते, तेरी माँ का ही कहाँ जी लगे हैं, महीने धर पी हर में बैठी रहे, ड्यूटी तो जा रहा सांझ को जाके उसे लेता आइए, मक्को चला जी अपने मामान के, जा चल जा हो जाएगा ड्यूटी को लेट। और हाँ रे सांझ को से एक बोतल भी ले ये, रे कौन सी पिएगा नहीं तो बता दे। अरे मैं ही पीऊँ? सब पी मैं आजकल, कौन ना पीतो, चतुरू को भी पीवे, मंटू को भी पीवे, धर्मपाल को भी पीवे, अकेले पी रहा हूँ मैं। अरे नलायक वे तो सुतरे कुएं में गिरेंगे, तू भी गिरेगा के? पिताजी बस छोड़ दो इन्हें, इन्हें मैं समझा दूंगी। ले छोड़ दिया, अब तू ही सुधार लिए इसे, नाश तो जाएगा इस घर का, चले जा मेरी आंखों आगे से, मत ना लहू जड़ा हुआ मेरा, क्यों तुमने हज कर रखी है। हाँ जी अब बताओ पिताजी क्या कह रहे थे, अनु बताओ पिताजी जो कह रहे थे वो सच है या नहीं है?
सच्चा तो क्या होगा? सच्चा तो क्या हो गया? तुम मुझे बताओ, तुम पीड़ी वीडी पियो या नशा वशा करते हो? मैं ना करता कुछ भी, अब वे मतलब कह लगे तो सच मान लू मैं। अच्छा, तुम कल सुबह नहा के निकले थे, बाथरूम में बीड़ी मंडल भूल गए थे, मैंने चुपके से उठा के ना नाली में फेंक दिए थे। अब बताओ, मैं भी झूठ बोल रही हूँ? लैट्रिन बाथरूम में तक तो तुम भूल जाओ ने पी पी के। जरूरी है मैं भूलूं? वो अतुल भी तो भूल सके, वो पीता होगा। अतुल भैया ना पीते, मुझे पता है तुम पियो हो, तुम्हें पकड़ा भी है मैंने कितनी बार, बस बताई तो नहीं है। पर तुम इन सबको छोड़ ना सकते है। मुझ पर ना छुट्टी है। क्यों ना छुट्टी? एक दिन रह जाऊं, पर सांझ को फिर चाहिए। अच्छा, मुझे पागल बना रहे हो? आजकल कलयुग चल रहा, नशा तो क्या, डाइवोर्स दे के बीवियों तो कुछ छोड़ दे, पर तुमसे बीड़ी मंडल ना छोड़े जा रहे। तेरी एक बेर की समझ में ना आती। अरे मुझसे ना छुटने की है, 20 रुपया की तो खर्चा रोज की, ज्यादा थोड़ी है। अरे बात दारू की, दारू तो एक दो दिन छोड़ कर पीऊँ, रोज थोड़ी पीऊँ। बूंद बूंद से दरिया बने, और दरिया बनने में टाइम नहीं लगने का। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, शर्म लिहाज गई भाड़ में, अगर तुमने नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। चल देखूंगा, कोशिश करके देखूंगा। देखूंगा अब भी ये बोल रहे, देखूंगा। पिताजी जो मार मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, जब शर्म आएगी क्या तुम्हें, जब दिमाग आएगा क्या? तो बाहर निकालने से छुट जाएंगी मेरी। देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भी तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ। ठीक है, जा रोटी लिया, भूख लग रही है। भूख लग रही है, सब ज्ञान देने आ जा, यहाँ मैं ना छोड़ना को। अरे दिव्या, क्या हुआ, कैसे उदास लेटी हो? उदास की तो बात ही है जी, आपको पता है घर में एक ही बच्चा है, वो भी हॉस्टल में रहता है, मन बिल्कुल नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बच्चे की प्लानिंग कर लें। अरे दिव्या, बच्चा बच्चा छोड़ो ना। और हाँ, वैसे भी हरिओम का बच्चा हमारे ये तो बच्चा है, और तुम्हें तो पता ही है हरिओम को तो अपने बच्चे की परवाह ही नहीं है। अरे उसका बच्चे का पालन पोषण हमें ही तो करना है। आपको पता है हरिओम भाई साहब की क्या हालत है इस टाइम? अगर कल को माँ पिताजी ना रहे तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा, हैं? तब बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। 3 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक मैंने बच्चे का मुंह नहीं देखा। दिव्या कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ उसको समझो। चल ठीक है, तो चिंता मत कर, करते हैं प्लानिंग। ओके अब सो जाओ आप। इस पागल को समझाने से कोई फायदा ना, इसे नू नहीं पता कि घर तो मुझे ही चलाना है। तो गलो भी सुको, कहाँ मर गई, कान फूट रहे हैं, एक गिलास पानी लिया? ला रही हूँ। और लेकर ना वे, ये लो, ये कैसी बदबू सी आ रही है तुम में से, तुम पीकर आए हो? तो क्या हुआ, तुमने फिर से वही हरकतें चालू कर दी? कल ही तो मैंने तुमसे समझाया था। कल गयो, बात गई, समझ गए? अगर पिताजी ना सुन ली ना, बात तो तुम्हारी जब होएगी। तुम पीकर क्यों आयो, पहले तो ये बताओ मुझे। मेरी मर्जी, पीऊं या ना पीऊं, तो कौन होते हैं भाषण देने वाले? और क्या कह रही, ताजी ने सुन लिया, क्या करेगा लीलू, गोली मारेगा या गोली लगवा दे? ए भगवान, अपने बाप का नाम ले रहे, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? ना आती, तू बता, और तेरी जुबान ये कुछ ज्यादा ना चल रही है, हैं? मेरी जुबान ज्यादा चल रही है, इसे छोड़ो और जाके सो जाओ, चलो। आज देख तुझे मैं सुधार ही दूँ। कहेगी कुछ? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम अपनी बीवी को मार रहे हो? पर तो जुबान और चला रही है, आज के बाद जुबान मत चला दिए, समझ गई? जिंदगी बर्बाद होएगी तुम्हारी, नशेड़ी हो रहे हो तुम बिल्कुल।
तू अपनी आवाज करी है। ले चाय। अजी ये लो चाय पी लो आप। अच्छा मैं क्या कह रही थी, आप माजी को लेने गए थे लेके नहीं आई माजी को। यार आज मैं लेट हो गया, मैंने आज ड्यूटी ना 2 घंटे एक्स्ट्रा कर ली, मतलब ओवर टाइम कर लिया। अच्छा तो मैं जल्दी में आ गया, अब कल जाऊंगा, कल माजी को बुला के ले आऊंगा। माजी को ना ले ही आना, क्योंकि घर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। भाई साहब को देख रहे हो आप किस राह पे चल रहे हो, और पिताजी हमेशा उन पे गुस्सा करते रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता घर में कलेशबाजी, कम से कम माजी घर में होगी तो कुछ तो संभालेंगे ना वो। यार परेशान तो मैं भी हूँ, पता मैं क्या करूँ। अरे यार मैं क्या करूँ, मैंने भी हरिओम को कई बार समझाने की कोशिश करी लेकिन वो मेरी मानता नहीं। अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे साथ ही ना मेरी कंपनी में जॉब करने लगे, कम से कम जी रोज की चेचे में हो रही ना, इसका तो पिंडी छुटे। अजी दीदी ना मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी आज। क्यों ऐसा क्या हो गया? दीदी से बात करी थी मैंने, दिव्यांशु की फीस जाएगी, हॉस्टल से फोन आया था उसका, और आपको तो पता ही है भाई साहब कितना पी के पड़े रहते हैं, उन्हें ना घुस रहता कुछ भी, और उसकी फीस कल तक ही जमा होएगी, अगर ना हुई ना तो हॉस्टल से नाम काट देंगे वो दिव्यांशु का। अब मुझे नहीं पता, आप कल तक फीस का इंतजाम करो। ठीक है तो टेंशन मत ले, फीस का क्या, फीस मैं जमा कर दूंगा। अरे उनका बेटा हमारा बेटा, लेकिन इस हरिओम को भी तो टक्कर लगनी चाहिए। और हाँ हॉस्टल से फोन आ जाएगा कि इसके बच्चे का नाम काट दिया, लेकिन तू किसी से बताइए मत ना। ठीक है जी। चलेगा। अरे माँ देखी वाली ले लो सब गाय बजा के। हाँ मैं आ गई, अब करा लो तुम केक का मेर कराओगे, जब देखो 24 घंटा गर्म ही रहे हैं। माँ जी केक खा के पैदा कराया था तुमने। मगर ज्यादा ना बोल ले, छो मत दिवावे मुझे, जब से तू गई है ना माँ का किसी ने ध्यान नहीं करा, नवाई दुआई भी नहीं देख ले ऐसी बच्ची बेचारी। मैंने कही माँ मैं नहा दू तुझे, ना बेटा तू रहन दे, गरम पानी करके नहा दे से। हरी माँ ये कौ है या बात सच्ची है कि बहुओ ना नुवाई तुमने? तुम टेंशन ना लो जी, मैं आ गई सब ठीक कर दूंगी, और मैं माँ को टाइम से नुवा दूंगी खुआ दूंगी, खुश रह बेटा, खुश रह बेटा। राम राम भाई आजा, तू भी बता के बात है। ताऊ जी तुम्हें मैं के बताऊं, हमने अपनी पर्ची कर रखी थी, कल की पर्ची है, और गांडे खेत में से भर के ले गया ट्रॉली में, अब हम रिपोर्ट करें के करें उसके खिलाफ, नु बताओ तुमने। ओ भैया सुन जा, हम बोझ लेंगे उससे, देख ले तुझे तो देर नहीं हुई, आल लगे ना उसके बुलाने आल लगे, अब लोगों के खेतों में से गांडे भर भर के भी ले जाने लगे, बता किस किस का दंड भरे हम। पिताजी अब तुम देख लो है, वो सुधरना तैयार ना है, उसके लोनडान की भी फीस ना मैंने जमा करी, अगर मैं फीस जमा ना करता ना तो उसके लोनडे का नाम कट जाता। अरे लोनडा तो खैर ऐसा ही उसका ऐसा ही तेरा, तन्ने नालाकरण कर दिया उसके लोनडा की फीस भर के। ताऊ जी तब मुझे बताओ मुझे क्या करना है अब। वो भैया देख कर तो उसने बहुत अलाकरण है, हम उसकी ओढ़ते देख हाथ जोड़ के माफी मांगे, गलती मानना इस बात की, तेरे जितने गांडे हैं या तो हमारे डहर वाले खेत में तो इतने गांडे ले जा भर के, या न्यू बता दे कितने रुपए को तेरे गन्ने थे वे, कैसे ले जा हमारे पे, तो हमारी तो देख इतनी बस की बात है। तो पैसों का मैं क्या करूंगा, पैसे से थोल चुलवाऊंगा तो बहुत दिन लग जाएंगे, नहीं तो पर्ची गल जाएगी, मैं थारे खेत में से गांडे भर के ले जाऊंगा और अपनी पर्ची गेर दूंगा। ठीक है भैया तू डहर में तो ले जाइए एक ट्रोली भर के, देख रही है अब तो पूरा डाकू हो लिया डाकू, लोगों के दिन दहाड़े ले जा खेत में तो गन्ने भर के। बात तो तुम सही कह रहे हो,
इसे तो सुधारने का कोई इनको रास्ता निकालना पड़ेगा जी। निकालना पड़ेगा, यू सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है, तो नहीं बिगाड़ा उसे। मैंने तो तुम सबको ही बिगाड़ा है। हाँ, हाँ, हमें कहाँ बिगाड़ा तन्ने? माँ मेरी क्या गलती है बता, बालक गलती करे अग सुना हुए मन खरी खोटी बताओ। रही बालक तन्ने इसकी तन 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 इसकी शिकायत सब दबावे थी तू। मैं घरता ही हूँ, तब ये तो ना कि गांव में राजी खुशी है, बहुओ तेरे साथ सुन चाह प्या दो, तुम तो आते ही मेरे पे चढ़ गए सुधी जूते। ए लाली अपनी माँ को लासी पिया दे जा, बर्फ घेर कर चिन्नी घेर कर घोल के पिया दे, ठंडी सी हो जाएगी। अब बापू तुम चुप हो जाओ, अब ये बताओ उसका क्या करना? करना के है, आज तो उसने ऐसा काम कर दिया, आज बख्शा नहीं जाएगा, आज तो उसका बक्कल तार दूं। अरे माँ समझा दे इसे, जो भी बीच में आ गई ना छोड़ दूं इसे भी ना हूं आज। अजी मैं तो ना हूँ बीच में, जो करना हो करो। रे ओ नवाब, क्या बात है? अच्छा बात बूझ रहा हूँ हमारे ते ही। यू के लाया? पेंट ना ही, एक पेंट सिलाया। अच्छा बेल बॉटम खरीद रहा, पैसे कहाँ से आए? मोहित को दे दिए मैंने 2 महीना पहले 1000 रुपया, उनने आज उल्टे दिए तो ले आया मैं। अरे तू जुल्मी, दुकान वाले के तो तेरे पे वीडियो के पैसे दिए नहीं जा रहे, मोहित को कर्जा बांटता फिर है तू ही हो रहा, इतना बड़ा फाइनेंसर। ए, इतने तो मैं राखूं, जब ऐसे फाइनेंसर ना सही, 1000-2000 तो पड़े रहे मुझ पे। अरे सुन लो, अरे फेरू राखी के लेने आया है हरिंदर का। अरे यार आज तो पकड़ो जाऊंगा, रोटी घर भी आ गो। मुझे क्यों पता क्यों आया हूं? हमें पता क्यों आया? गंडे बेच आया उसका खेत में तो भर के, अब तो दिन धोड़ी डक कर गिर रहा लोगों का। अजी तुम खूब खरीदो कपड़े, ये बेल बॉटम। हॉस्टल से भी कॉल आ गई, देवांशु का नाम कट गया, अब उसे भी अपनी तरीके से बना लियो। सुन रहा तू क्या कह रही? तेरी ढाल घरों बैठ जाएगा क्या? वो भी जब पढ़ा लिखेगा ना, वो भी लोगों का चोरी करेगा, डाके गिरेगा। अरे तेरा यदि गुजारा ना हो तू एक काम कर, हमें भी बेच दे, इस घर को भी बेच दे, कम से कम तेरा गुजारा तो हो जाएगा। मैं तुम्हें क्यों बेचूं? बस 2 बीघे जमीन बेच कर मुझे रुपया दे दो, दुकान खोलूंगा मैं तो। अरे पिताजी जमीन वमीन बेचने की कोई जरूरत ना है, ये तो पागल हो चुकी है। तेरा शर्म गैरत हो तो लिकट जाए, जा चला जा। वहां जाऊं भन्ना है मेरा। तेरा काहे का घर? जो बालक है ना उसका है सब कुछ, पोते के नाम कर देंगे हम तो, हमें ना तेरे जैसे नलायक कपूत की जरूरत। ठीक है जा रहा हूँ मैं, तुम न सोच रहे भूखा मर जाएगा, हरिओम भूखा ना मरने वाला, इस दाता जमीन में मेरा रहे भाई। चल बे चल। चल बे चल, मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे साथ धक्के खाती फिरूंगी, मैं तो इसी घर में रह लूंगी अपने बच्चे के साथ। चल बे चल मेरी गल चल। अरे मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना, पिताजी समझाओ इन्हें। ऐसे कैसे ना जाएगी, यहाँ घर का ये चल। अरे छोड़। अरे ओ लाट साहब यू ना जाती, यू रहेगी इसी घर में, अच्छे घरों के अच्छे खानदान की बहू आवारा की गैल सड़कों पर धक्के खाती ना फिरती हैं, यू इसी घर में रहेगी अपने बालक की गैल। तुझे धक्के खाने का शौक है ना, जा तू चढ़ जाते खा धक्के। चिंता ना करे बेटी, धक्के खाकर वापिस आओगे। शाबाश मेरी बेटी शाबाश, तन्ने बहुत बढ़िया करा, लोग खानदान का बालक नहीं तो टों है, तेरी माँ ने इसे बिगाड़ दिया था बेटा। देख तेरे आने वाले भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया करा। दोस्तों अगर माँ बाप इसी तरह अपने बच्चों की गलती को इग्नोर करके और उन्हें बढ़ावा देते रहेंगे तो इसी प्रकार के नतीजे हर घर में भुगतने पड़ेंगे, इसलिए बच्चों की गलती पर उसे डांटे और उसे गलती का एहसास करा मैं। तो दोस्तों आपका घर आपका परिवार अच्छे से चल सकता है, नहीं तो इस महंगाई के दौर में घर चलाना और घर को संगठित रखना बहुत ही कठिन कार्य है। तो दोस्तों संगठित रहें, प्यार से रहें और अपने घर को अच्छे से खुशहाली से चलाएं। धन्यवाद।